हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई रेसिपी। रेसिपी का नाम है घेवर। तो आज हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन पर आप घर पे ही घेवर किस तरह और कैसे बनाएं, जो सबको पसंद रहता है। और इस मौसम में घेवर को काफ़ी खाया जाता है और यह काफ़ी मिलता भी है इन दिनों में। तो फ्रेंड्स, रक्षाबंधन के त्यौहार पर आप घर पर ही घेवर बनाइएगा और इसे इंजॉय कीजिएगा। तो देखिए, मैंने उसके लिए सबसे पहले घी लूँगी। तो ये मैंने देसी घी लिया हुआ है। घेवर के लिए अगर आप देसी घी का ही उपयोग करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। तो देखिए, मैंने बड़ी 2 से 3 चम्मच घी ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आइस क्यूब। तो देखिए, ये 3 से 4 मैंने आइस क्यूब इसमें डाल दी है। और अब हम धीरे धीरे अपनी घी को काफ़ी फ्लफी और काफ़ी क्रीमी बनाएंगे। तो उसके लिए हमें इसे इस तरह हिलाना है। आपको इसे जब तक हिलाना है जब तक यह क्रीमी और फ्लफी अच्छे से नहीं हो जाता। तो इससे आपके हाथ काफ़ी ठंडे भी होंगे। ये आपको थोड़ी देर रुके और फिर से इसी तरह हिलाना है। और फिर बाद में आपको अपने इस क्यूब्स को निकाल देना है। जितने भी मैं इसमें बर्फ़ के क्यूब्स हैं उनको निकाल देती हूँ। तो देखिए, एक एक करके मैंने सभी क्यूब्स निकाल ली हैं। और अब हम अपने घी को इसी तरह हिलाएंगे। देखिए, आप देख सकते हैं हमारे घी ने काफ़ी कलर चेंज हो गया है और ये काफ़ी फ्लफी और काफ़ी क्रीमी बन चुका है। आप इसे जितना फेटेंगे और जितना इसे हिलाएंगे उतना ही आपका घेवर स्वादिष्ट और अच्छा बनेगा। तो देखिए, आप देख सकते हैं यह दिखने में भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और अभी मैं आपको इसे हाथ में भी लेकर दिखा रही हूँ। देखिए, ये काफ़ी क्रीमी बना हुआ है और इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो चुका है। आपको इस प्रकार का अपना घी बनाकर तैयार कर लेना है। अभी मैं इसे थोड़ा सा और हिलाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने घी को काफ़ी क्रीमी कर लिया है और ये काफ़ी फ्लफी भी हो चुका है। तो देखिए, अब मैं इसमें डालूंगी अपना मैदा। आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और जो एक कटोरी मैंने मैदा लिया था उसमें से जो बचा हुआ है वो भी मैं इसी में डाल देती हूँ। और अब मैं इसमें डालती हूँ 1 बड़ा चम्मच बेसन। यह हलवाइयों की ट्रिक है, इससे हमारा घेवर काफ़ी स्वादिष्ट बनता है। तो आप इसे 1 चम्मच ज़रूर डालिएगा। तो देखिए, इसे भी मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। अच्छे से आपको मिलाकर अब इसमें मिलाना है आपको पानी। तो देखिए, ये मैंने इसमें आइस क्यूब डाल रखी है, वही पानी मैंने ले लिया है। आपको पानी इसमें ठंडा ही लेना है, इस बात को आप खास ध्यान रखिएगा। अगर आप इसमें गर्म पानी लेंगे तो आपका घेवर बिल्कुल जालीदार नहीं होगा। आपको इसमें आइस क्यूब डाल लीजिएगा या फिर फ्रीजर में जो पानी हो आपके या फ्रिज में रखा हो वो पानी लीजिएगा। आपको ये पेस्ट बिल्कुल कूल पेस्ट बनाना है और फ्रेंड्स, इसमें से लम्स बिल्कुल ख़त्म कर लेने हैं। तो देखिए, मैं इसमें जितने भी लम्स हैं वे सभी ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि अगर इसमें लम्स रह गए तो आपका घेवर बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। तो जो भी इसमें लम्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म कर लेने हैं आपको। तो देखिए, अब मैं थोड़ा सा मैदा इसमें और डाल रही हूँ। देखिए, मैंने इसमें 1 गिलास पानी और डाल लिया है, क्योंकि जो भी आपको ये बैटर लेना है ये बिल्कुल पतला बैटर लेना है। और जो ये लम्स हैं ये आपके उसके मैदे के या फिर बेसन के नहीं हैं। ये जो मैंने इसमें घी डाला था और वो काफ़ी ठंडा था, वो इसलिए उसी के ये लम्स बनकर तैयार हो चुके हैं। तो हमें इन्हें बिल्कुल ख़त्म कर लेना है। वैसे ये बाद में अगर आप उसमें डालेंगे, घी में डालेंगे तो भी ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन कुछ मैं इन्हें हाथों से भी ख़त्म कर लेती हूँ। तो इस तरह आपको इसका बिल्कुल पतला घोल बनाना है। तो देखिए, आप देख सकते हैं हमारा घोल रेडी हो चुका है। यह काफ़ी अच्छा बना हुआ है और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये इतना ही पतला लेना है आपको। अब मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम आपको रक्षाबंधन के त्यौहार पर घेवर बनाकर दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम मलाई वाला घेवर बना रहे हैं, तो उसके लिए अब मैं अपनी मलाई तैयार करूँगी। तो देखिए, मैंने अपनी कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल लिया है और अब मैं इसमें डालूँगी 1 गिलास दूध। देखिए, मैंने इसमें 1 गिलास दूध भी डाल लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मिल्क पाउडर, जो आंगनवाड़ी में मिल्क पाउडर मिलता है उसी से मैं आपको ये मलाई बनाकर दिखाऊंगी। तो देखिए, ये आंगनवाड़ी का जो मिल्क पाउडर है फुल पैकेट है। इस पैकेट में 500 ग्राम मिल्क पाउडर आता है और साथ में इसमें चीनी भी पिसी हुई आती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको
अपनी मतलब कोई भी अगर मिठाई बनाते हैं या फिर कुछ भी आप इंग्रेडिएंट बनाते हैं तो आप इस बात को पहले ही अपने माइंड में रखिएगा कि इसके अंदर चीनी पहले से ही मिली हुई है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ही मीठा डालिएगा। तो देखिए ये मैंने फुल पैकेट लिया हुआ है, तो मैं इसमें से हाफ पैकेट ही अपने दूध में डालूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें हाफ पैकेट डाल दिया है और हाफ इसमें रख लिया है क्योंकि हमें ज़्यादा मलाई नहीं बनानी है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसके लम्स जो हैं उन्हें भी ख़त्म कर लूँगी इसमें से। और दूसरी तरफ मैंने घेवर बनने के लिए अपनी गैस पर घी रख दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी रबड़ी थोड़ी टाइट होने लगी है, आप देख सकते हो। तो आपको इसे ज़्यादा टाइट नहीं करना है, आपको इसे मीडियम इसकी कंडीशन रखनी है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था आप इसे घेवर के लिए बना रही हैं तो आप इसे मीडियम कंडीशन में बनाएंगी, ना तो ज़्यादा गाढ़ी और ना ही ज़्यादा पतली। अब इसमें मैं थोड़ा सा घी और डाल दूँगी ताकि ये काफ़ी चिकना और काफ़ी बढ़िया हमारी रबड़ी बनकर तैयार हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हाफ पैकेट में भी हमारी काफ़ी रबड़ी बनकर तैयार हो चुकी है, आई मीन काफ़ी खोआ निकल चुका है, आप देख सकते हो। अगर इसे आप थोड़ा सा और सेकेंगे तो आपकी यह मिठाई भी बनकर तैयार हो जाएगी, लेकिन मैं जैसे कि आपको बताया था अभी मैं इसे घेवर के लिए बना रही हूँ तो मैं इसे ज़्यादा गाढ़ा बिल्कुल नहीं करूँगी। तो देखिए मैं इसी कंडीशन में इसे छोड़ देती हूँ और अब मैं इसे एक तरफ ठंडा होने के लिए रख दूँगी और दूसरी तरफ मैं अपने अब गैस पर रखूँगी चाशनी। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी एक तरफ चाशनी रख दी है, चाशनी आपको एक तार की बनानी है। तो देखिए अब मैंने अपने भगोने में घी डाल लिया है, तो देखिए हमारा घी काफ़ी गर्म हो चुका है, आपको यही कंडीशन घी की चाहिए, आप चाहो तो इसके लिए रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हो, लेकिन मैंने ये घी लिया हुआ है। अब हम चलते हैं अपने बैटर की तरफ, जो कि हमने घेवर का बैटर बनाया था, इसे भी थोड़ा सा हम हिला लेते हैं। इसमें बर्फ़ अभी भी है और ये मैंने फ्रिज में रखा था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको ये बैटर बिल्कुल पतला लेना है, हमारा ये बैटर बिल्कुल पतला और बिल्कुल चिल्ड है, आपको इसे ठंडा ही यूज़ करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको अपना बैटर भी दिखा देती हूँ। तो देखिए अब मैंने इस प्रकार की एक बोतल ले ली है, देखिए ये नॉर्मली सभी के घर में अवेलेबल होती है, अगर आपके पास ना भी हो तो आप इसे मार्केट से मंगवा लीजिएगा या फिर आप इसके बिना भी घेवर तैयार कर सकते हैं, आप इसे गिलास में डाल लीजिएगा। तो देखिए मैं इसी बोतल में, देखिए मैं आपको पहले अपना पेस्ट दिखाती हूँ, यह बिल्कुल पतला है, इसी प्रकार का आपको ये पेस्ट तैयार कर लेना है। इसमें मैंने एक कटोरी मैदा लिया हुआ है और उसमें 3 से 4 कटोरी पानी डाल दिया है। तो देखिए यह पेस्ट बिल्कुल ही पतला तैयार किया जाता है, तभी आपका घेवर बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो देखिए मैंने ये बोतल भर ली है, इसे मैं अब ढककर एक साइड में रख लेती हूँ। अब बार बार हमें इसी बोतल में यह डालना है और अपना घेवर तैयार करना है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा घी गर्म हो चुका है, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया था। अब मैं इसमें घोल डालने जा रही हूँ, तो आपको इसमें थोड़ा थोड़ा डालना है। तो देखिए आपको ये थोड़ा थोड़ा ही डालना है, एकदम से नहीं डालना। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें चारों तरफ से लेयर बन रही है, आपको इसी तरह इसमें थोड़ा थोड़ा डालना है अपना पेस्ट, तभी आपका घेवर परफेक्ट बनकर तैयार होगा। और एक चम्मच की सहायता से इसे साइड में कर देना है। और फ्रेंड्स अब इसी बोतल से आपको इसके चारों तरफ भी इसका बहुत ही अच्छा गोलाई बना देनी है। तो दूसरी तरफ मैं अपनी चाशनी को भी एक बार हिला देती हूँ, तो देखिए इसे मैं साइड में ऐसे कर दूँगी। अब मैं इसे इसी तरह सिकने दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे साइड में कर दिया था और इसे एक चक्कल को सिकने में आपके 15 से 20 मिनट आराम से लगते हैं, क्योंकि यह धीरे धीरे बनता है। तो देखिए यह बिल्कुल पक्के बहुत ही अच्छा घेवर आपका बनकर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छा चक्कल बना हुआ है। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ, पहले इसका घी टपकने देती हूँ।
तो फ्रेंड्स धीरे धीरे मैं इसी तरह सभी, तो देखिए फ्रेंड्स मैंने सभी एक एक करके इसी प्रकार बनाकर रख लिए हैं, बनाकर तैयार कर दिए हैं, देख सकते हैं आप। अब देखिए मैं आपको चाशनी दिखा देती हूँ कि आपको एक तार की चाशनी की जरूरत होगी। तो देखिए फ्रेंड्स आपको इस प्रकार की चाशनी बनानी है। तो अब मैं अपने घेवर के ऊपर चाशनी डाल लूंगी। तो फ्रेंड्स आपको देख कर इसमें डालना है चाशनी, क्योंकि यह चाशनी नीचे वाले घेवरों में भी चली जाती है, मैंने नीचे वाले में नहीं डाली है ताकि ये ऊपर वाली ही नीचे वालों में चली जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने चारों चक्कल बना लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स एक चक्कल को मैं इसके ऊपर रख लेती हूँ और नीचे मलाई भी जल चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स अब मैं इस चक्कल को अपने प्लेट में रख लेती हूँ। आपको एक एक करके इसी तरह सभी घेवर के चक्कल बनाकर तैयार कर लेनी है। और अब मैं इसके ऊपर रखती हूँ खोआ, जो कि मैंने अभी बनाया था, आपको दिखाया था। तो देखिए अब मैं इसके ऊपर चारों तरफ थोड़ा थोड़ा करके खोआ लगा देती हूँ। फ्रेंड्स मलाई इसमें जब ज़्यादा लगती है तभी हमारा घेवर स्वादिष्ट और अच्छा लगता है। कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें पानी डाल लो, पानी डालने से ये बहुत पतली हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं अब इसके ऊपर अपने खोए की परत चढ़ा देती हूँ ताकि हमारे घेवर में और टेस्ट आ जाए। तो देखिए हमारा मलाई घेवर बनकर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो यह दिखने में भी कितना सोना लग रहा है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो आप इसे बार बार बनाइएगा और अपने बच्चों को खिलाइएगा, और ये काफ़ी हेल्दी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएँ ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फिर